हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल हिलता है फिर भी कमल। बच्चे को मेरे पास सब कुछ मिलेगा, अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ। मैंने अपना बच्चा देने से साफ मना कर दिया। कमल ने बच्चा देने से साफ इनकार कर दिया और अब बच्चा ना देने की जिद पकड़ कर बैठ गई। लेकिन पापा, वो कमल का ही तो बच्चा है ना। कि कल जब वो बच्चा तुझसे अपनी पहचान मांगेगा तो क्या जवाब देगी तू उसे? माँ, क्या इतना काफी नहीं है कि हम जानते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है? कितनी अजीब सी बात है, अपने ही बच्चे को जन्म देने के बाद उसे पहचान भी देनी पड़ती है। पहचान जो एक नाम की मोहताज है। शायद तुम सही हो माँ, पर मैं ये पहचान कैसे दूँ? मेरी तो अपनी ही कोई पहचान नहीं है। किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ? आरती की जय काली माँ की।
एडॉप्शन के कागजात। बच्चा हर हाल में हमारे यहाँ खुश रहेगा, बच्चे को हमारे यहाँ अच्छी परवरिश मिलेगी। ये लो साइन कर दो इसको। लो ये मंदिर है और ये इस संसार की हम सब की। इन्हीं काली माता के सामने आपसे एक सवाल पूछना, सच सच जवाब दीजिए। याद रखिए, माँ के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। इस कागज के टुकड़े में क्या इतनी ताकत है कि वो एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दे? कहाँ दे पाते हैं दौलत वाले भी अपने बच्चों को भूखा रहे? वो संस्कार जब बच्चा रोता है तब वो दौलत से चुप नहीं होता, अपनी माँ की गोद में जाकर चुप होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बच्चे को उसकी पहचान, ऊंचा खानदान और नाम देने की बात कर रहा हूँ, तब भी मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे पहचान करने की कोशिश करूंगी, चंद को देनी रही एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। मैं अपने बच्चे से उसकी मान नहीं छीनूं। और रही बात पहचान की, तो जो उसे जन्म दे रहा है वो उसे पहचान देने की भी पूरी कोशिश करेगा। रुको यश, यश मेरी एक बात सुनकर चुप। एक बार कॉलेज में तुमने एक लड़की के साथ बहुत ही घटिया और घिनौनी बात की। एक बात फिर घर तुमने एक पत्नी एक बहू के साथ फिर बहुत ही घटिया हरकत की। उसके खिलाफ साजिश, उससे उसका पति छीना, उससे उसका घर छीना। कॉलेज की लड़की ने तुम्हें माफ, एक बहू एक पत्नी ने भी तुम्हें एक बार फिर माफ कर दिया। लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक माँ से पड़ा। माँ और बच्चे के बीच में आने की गलती मत करना, क्योंकि इस बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यश। ये माँ काली का मंदिर है यश, पापियों का संहार होता है यहाँ। ये वो जगह है जहाँ अन्याय न्याय के सामने खुद में टेक देता है। माँ और बच्चे के बीच में आने की कोशिश मत करना यश, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे पर मुसीबत पड़ने पर ये रूप ढाल सकती है। मैं भी नमस्ते।
क्या बाबा हरीश कमल से मिलने गए हैं? पर क्यों? और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मानस, डैडी कमल को समझाने की कोशिश कर। मैं कमल को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ये बात कभी नहीं मानेगी। जिद पर, मुझे तो डर है कहीं उसकी जिद का बुरा असर बच्चे पर ना पड़े। डर तो मुझे भी मान, कहीं तुम ये सोचकर कमल से मिलने ना चले जाओ कि बच्चे को संभाल पाएगी कि नहीं। गॉड ने क्या करूं पता नहीं, पता नहीं इस वक्त कमल क्या सोच रही है। मां, मैंने फैसला कर लिया, अपने बच्चे को मैं खुद पालूंगी, किसी की जरूरत नहीं मुझे, बस आप लोगों का साथ काफी है। दुनिया देखिए कि एक माँ अपने बच्चे को जायज होने का दर्जा कैसे दिलाती है। कोई ना कोई तो जरूर होगा जो इसके लिए मेरे साथ खड़ा होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। कॉफी मैडम, टीवी लगा दो, उस पर भी न्यूज आप देख सकती हैं। ठीक है, लगा दो। राजनेताओं के बीच में आज होड़ती लगी। हालात के मद्देनजर स्पीकर को असेंबली अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। नारी अधिकारों के लिए लड़ने वाली शहर की जानी मानी एडवोकेट सोनाली सेलार ने आज अपनी काबिलियत और कानूनी दाव पेचों पर अपनी अच्छी पकड़ का सबूत आज अदालत में एक बार फिर से दिया, जब वो अपने एक महिला क्लाइंट को उसका हक दिलाने में सफल हो पाई। खबर है कि उनकी ये महिला क्लाइंट अपने ससुराल पक्ष से बेहद परेशान थी, मदद करने वाला कोई भी नहीं था। अदालत के फैसले के बाद सारी अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सोनाली शरार से पूछे जाने के बाद उनका ये जवाब था कि ये सिर्फ मेरी क्लाइंट की ही और मेरी ही जीत नहीं, बल्कि ये हर एक औरत की जीत, एक प्रेरणा है। पिछले साल 6 भाइयों और एक शादीशुदा बहन के बीच चल रहे प्रॉपर्टी के केस का हल भी सोनाली शरार ने ही निकाला था। इन लोगों के पिता की मौत के बाद इन भाइयों ने अपनी बहन को पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया था, ये कहकर कि बहन को शादी हो जाने के बाद पिता की जायदाद पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। मगर सोनाली शैला ने अपनी इस क्लाइंट को उसके पिता की जायदाद में से हिस्सा दिलाया तभी फैसला। मुझे भी अपना हक चाहिए। सोनाली शेला ही मुझे वो हक दिला सकती है, मेरा हक, मेरे बच्चे का। Services? Yes, ma'am. How can I help you? Could you please give me Advocate Sonali Shilare's number? Yeah, just a moment.
हेलो हेलो या दिस इज कमल, कैन आई प्लीज गेट एन अपॉइंटमेंट विद सोनाली शिलाल जी प्लीज? पर मैडम तो फिलहाल 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गई हैं। राइट नाउ शी इज नॉट रीचेबल। और 3 दिनों के बाद मैडम पूरे महीने के लिए बिजी हैं, उनके पास जरा भी टाइम नहीं है। देखिए प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ, मेरा काम बहुत ही अर्जेंट है। सॉरी मैम, इस वक्त तो आप मैडम से नहीं मिल सकते, मैडम इस वक्त छुट्टी पर है और छुट्टियों में मैडम किसी से नहीं मिलती। आई एम सॉरी। सुनील, एक काम करना है, फैक्स सोनाली शिलाल जी के रूम में। ओके। अरे कमल, सोनाली शिलाल अपने होटल में रुकी है? हाँ, क्यों? नहीं ऐसे, वो टीवी में न्यूज़ में उन्हें देखा था ना, इसलिए पूछा। यू नो कमल, वो हमारी बॉस की सबसे अच्छी दोस्त है, वो भी बचपन की। सो वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ हर। या डेफिनेटली। रूम नंबर 402। हर महीने कम से कम 3 दिनों पे तो अपना सारा काम छोड़कर हमारे होटल में जरूर आती है। शी इज वेरी बिजी, बॉस के अलावा किसी से नहीं मिलती। तो दो मिनट। हाँ रख दो। मैं ले जाती हूँ। व्हाई नॉट। Yes. Good morning. Morning. Anything else, ma'am? I hope everything has been done as per your requirement. Absolutely. Rehna ka hi hotel hai na? Thanks, ma'am. Favor, please. Yeah. Actually, I call up at your office also. लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि आप इसी होटल में रुकी हैं। बस इसीलिए। देखो, मैं यहाँ छुट्टी पर आई, okay? Rest करने के लिए। I'm on a holiday. अगर तुम्हें कोई लीगल मैटर या केस डिस्कस करनी है, मेरी एडवाइस चाहिए, तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस ही आना पड़ेगा। आई एम सॉरी। प्लीज मैम, मैम आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये बात कितनी जरूरी है। किसी की जिंदगी जुड़ी है इससे। ओके, बोलो। थैंक्स मैम। कुछ चाहती नहीं हूँ मैं सिर्फ अपने बच्चे को कानूनन जायज होने का दर्जा दिलाना चाहती हूँ, ताकि उसे सोसाइटी के ताने ना सुनने पड़े, वो सर उठा कर जी, उसे नजरें ना चुरानी पड़े। और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगी, अच्छी एजुकेशन दूंगी, और इसके लिए मुझे किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। आई कैन लुक आफ्टर माय चाइल्ड। मैं चाहती हूँ कि भाई सोसाइटी में वो ताने ना सुने, सर उठाकर जी, उसे नजरें ना चुराने पड़े।
मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगी, अच्छी एजुकेशन दूंगी, और इसके लिए मुझे किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। I'm capable enough to look after my child.